सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कृषि विभाग में 2667 पदों पर बम्पर बहाली जो यहां पर निकल कर आ रही है, 2667 पदों पर जो है कृषि विभाग में भर्ती होगी। अलग अलग विभिन्न पदों पर जो है ये बहाली की जाएगी। अब किन पदों के लिए कितने सीटें यहाँ पर खाली है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कहाँ से और किस प्रकार से आवेदन करना है, किस डेट से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसे मैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, विभाग ने जीएडी एवं बीएसएससी को भेजी रिक्त। कृषि विभाग में 2667 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन जल्द जो यहां पर शुरू होगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि समन्वयक सहित कृषि विभाग में 2667 पदों पर बहाली होगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 774 और सहायक निदेशक श्री सस्य कोटि के 1 वर्ग 2 के 89 पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्त भेज दी गई है। बीपीएससी के माध्यम से इन पदों की बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ये जो भी बहाली हो जाएगी ये जो है बीपीएससी के माध्यम से जो है ये बहाली होगी और इसका परीक्षा भी ली जाएगी। कृषि समन्वय के 1470 पद है और उद्यान सेवक माली के 247 पद है और उद्यान लिपि के 87 पद है। यहाँ पर पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेज दी गई है। सभी पदों पर बहाली के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द यहाँ पर शुरू की जाएगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहायक निदेशक सदस्य और कृषि समन्वयक के पद पर नियुक्ति के लिए जो है बीएससी एग्रीकल्चर और समक्ष डिग्री अवश्य होगा। बीपीएससी द्वारा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष स्तर के 228 पदाधिकारियों की अनुशंसा कृषि विभाग को मिली थी। अब जैसे मैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कृषि विभाग में 2667 पद पर जल्द होगी नियुक्ति। यहाँ पर जो है कृषि विभाग की मंत्री जो है अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि विभाग में 2667 विभिन्न पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के जो मैं आप सभी को बताया कि 774 पद है और सहायक निदेशक सस्य कोटि के 1 वर्ग एवं 1 वर्ग 2 के 89 पद का रोस्टर क्लियरेंस करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी अनुशंसा भेज दी गई है। साथ ही कृषि समन्वय के 1470 पद एवं उद्यान सेवक के जो मैं बताया मालिक है यहाँ पर जो है 247 पद तथा उद्यान लिपि के 87 पदों का रोस्टर क्लियरेंस करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को कृषि विभाग द्वारा अनुशंसा भेजी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी। यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को नियुक्त बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सस्य वर्ग 2 के पदाधिकारियों का बामेती पटना में जो है यहाँ पर आयोजित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर जो है दी। देख सकते 1470 पद है कृषि समन्वय के लिए, यानी कि जो आप लोगों की मैं बताता हूँ जो भी आप सभी को ग्राम पंचायत में जो है किसान समन्वयक होते, किसान सलाहकार होते, यहाँ पर जो है कृषि समन्वय के लिए जो है यहाँ पर 1470 पद है और 228 पद जो है पदाधिकारियों को जो है मिला नियुक्ति पत्र। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष स्तर के 228 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। नियुक्ति पत्र के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में अभी तक 164 पदाधिकारियों द्वारा कृषि विभाग में योगदान दिया गया है। वह जो है यहाँ पर मंगलवार नवनियुक्त बिहार कृषि सेवा कोटि 1 एवं सस्य वर्ग 2 के पदाधिकारियों का बामेती में जो है पटना आयोजित का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, किस डेट से होगा, सारा जानकारी जो वहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगा वैसे मैं आप सभी के बीच जो है जानकारी दे दूँगा।